दुर्गपोटिया वार्ड स्थित कुंद्रापारा में लाउड स्पीकर की आवाज बंद कराने के नाम पर दो पक्षों में मारपीट हो गई। वहीं इस मामले में वार्डवासी पद्मनापुर थाने पहुंचे और तीनों युवकों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। दुर्गमय वार्ड 54 पोटिया स्थित कुंद्रापारा में गुरु घासीदास जयंती के दिन मोहल्ले के तीन युवकों द्वारा त्योहार के दिन बज रहे लाउड स्पीकर की आवाज बंद कराने को लेकर विवाद हुआ। विवाद पर वार्डवासियों ने तीनों युवक लेखराम, गोपा, अक्षय के साथ जबरन परेशान करने के नाम पर वार्डवासियों ने आपत्ति जताई। इसके बाद बढ़ते हुए विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। और इतना ही नहीं, इन युवकों द्वारा तलवार निकाल मोहल्ले के उन लोगों को डराने धमकाने के साथ ही सभी के बीच मारपीट की घटना हुई, जिससे उस युवक के चेहरे पर मार लगी और इस लड़ाई में कुछ चोटें भी आई, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में वार्डवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कुंद्रापाड़ा में कुंद्रापाड़ा में अंतर्गत तीन लोग हैं जिनके द्वारा चाकू तलवार लेकर वहाँ पे माहौल खराब किया जा रहा था, जिसपे मोहल्ले वालों ने छात्र की हाथापाई हुई है। मोहल्ले वालों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है, अभी जांच किया जा रहा है। जांच में अगर सही पाया जाता है तो खिलाफ अपराध पंजी बनकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। घर से कुछ हथियार भी उनके पास से अभी हमारी टीम गई हुई है और अभी पता चल रहा है कि उससे हथियार भी बरामद हुई है। हम लोग गुरु बाबा घासीदास के जयंती मनाने के लिए वहाँ पे तैयार हो रहे थे जी। हम लोग साउंड सीरीज लगाए थे, कार्यक्रम करवाना था हमको, लेकिन हमें सुबह 5 बजे पूजा करना था जो हर साल करते हैं हम लोग 18 दिसंबर को। तो सुबह 5 बजे हम लोग लगाए साउंड, तो साउंड ना बजा ऐसा करके आ गए। मेरे नींद हराम हो रहे हैं। कौन आ रहे? अच्छा, लेखराम आया और बोला कि तोड़ फोड़ किया वहाँ भवन में तोड़ फोड़ करने के बाद घर गया। घर जाके फिर तलवार लेके आया कि काट डालूंगा, बंद करूंगा। तो हम लोग बंद नहीं किए और थाने में भी रिपोर्ट नहीं दिए हम आगे, क्योंकि समाज के आदमी है वो भी, क्योंकि हमको समाज के कार्यक्रम करना है वहाँ, तो एक दिन समझ जाएगा करके हम कुछ नहीं बोले उसको। अब दिन भी कट गया, दिन भर मस्त त्यौहार मनाया जैसा भी बना वैसा। मनाने के बाद अब रात भी कट गया, अब सुबह अकेला देख के चंद्र प्रकाश उन्होंने फिर हमला किया। सुरक्षित चाहते सर? हाँ, सब सुरक्षा चाहते हैं सर हम लोग, ठीक, और सुरक्षा भी ऐसा चाहते हैं। सीधा बस्ती में रहना है तो शांति से रहे, एकता हो के रहे, और नहीं तो जिला बदल हो जाए। ये सब हमार गांव बस्ती सब के एकता है कि जिला बदल हो जाए। बोला भाई तू मन बताओ, आज हम बोला था ना सर, आज हमार मन के साथ में कुछ नहीं हो सका, काबर के मन पुलिस प्रोटेक्शन में हन, बस्ती के साथ में हन। कल को डेट में अकेला देखी, दुकेला देखी, मैं भी 11-12 बजे रात तक दुकान में काम करता चौक में, पोटिया चौक में, तो वहाँ भी आके नंगाई कर सकते, आतंकी कर सकते, कुछ भी कर सकते। तो एक एक प्राणी के पीछे एक एक नहीं हो सका, ओकर वजह से कहा था शासन से, प्रशासन से जिससे भी जितना हो सके मदद मिले, और ओकर साथ न्याय हो, बस यही चाहता था ना, जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अपन घर में दिसंबर मनाए ना, अपन बस्ती में दिसंबर तब बाजा बाजी नहीं है, तब बाजा बाजा हुआ था, कार कंझट करा था, कही के वह तलवार निकल के दौड़ गए लड़का मन लमारे बस। तो एक लड़का परे तलवार उलवार कोनी परे कौन है खबर है, अच्छे रेखलाल, अच्छे गोपू, अच्छे रेखलाल, तीनों जन है। तब फिर अभी वो हो गए कल जी भर है, कल के बाद कल होगी, फिर आज भी फिर होते हैं मोर बरे है करे है, 14 दिसंबर मना है कही के वो लड़का नाश्ता करे जात भी केला मार पीट कर दी थे छेक के। तब फिर हमन है लड़का जात में नहीं दौड़े, वो अकेला हो गई बोकरा है, लेडीज लेडीज गए हन दौड़े हन, तब फिर वो है यह करी से। क्या चाहते हो आप? पीछे से वार करते वो देखते अपन कैमरा लगा है अपन घर में, कैमरा लगा कैमरा से देखते अब अकेला है का है, अकेला आवाते के अकेला उकेला देखी नहीं लड़का ला रात निकाल के, तो वो पीछे से तलवार धरी और मार ही लड़का ला। ठन केस हो गया रात निकाल के अकेला से वार करा थे, कोई बेटा जात मोर बेटा जात रात के नावा थे, 11 बजे रात के नावा, तो 12 बजे आवा थे, 10 बजे आवा थे, वो देखत रहे ऐसे है, ऐसे पीछे से वो रेंगत रहे तीन नहीं देखे और पीछे से जाही उधर ही मारते मारते। ग्रैंड एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।